छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से भाजपा शुरुआती दौर में बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन पिछले एक साल से ईडी के लगातार छापे, कोल और शराब घोटालों में गिरफ्तारियां, और उसके बाद एक और मुद्दा मिल गया है सीजीपीएससी में मेरिट लिस्ट, इसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप क्या है इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं नीलेश, और न्यूज़बाजी में बात मुद्दे की, मुद्दा यही कि क्या सीजीपीएससी में जो लिस्ट जारी हुई है, मेरिट सूची जारी हुई है, उसमें कोई घोटाला हुआ है क्या, पहुंच और पैसे का उपयोग लिस्ट जारी करने में की गई है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सीएसवीटीयू आशीष यादव हैं, एबीवीपी की ओर से और के पूर्व पदाधिकारी सौरभ जायसवाल, रितेश सिंह जो वर्तमान में युवा मोर्चा के भी पदाधिकारी हैं, महामंत्री युवा मोर्चा रितेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल, मयंक गुप्ता, इन सबके साथ कुछ आम लोग भी हैं, और आम लोगों की ही बात है और छात्रों की ही बात है, तो मैं शुरुआत उनसे ही करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अनिकेत द्विवेदी। आप क्या करते हैं अभी? मैं 2018 में मैंने अपनी स्कूलिंग डीपीएस दुर्ग से कंप्लीट की, उसके बाद भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई दुर्ग से मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, और इसी साथ साथ इंजीनियरिंग के दौरान मैं अपने पीएससी की प्रिपरेशन मैंने सेकंड ईयर से चालू कर दी थी। अच्छा, आप पीएससी की प्रिपरेशन भी करते हो? जी, मैं आपने एग्जाम दिया था ये वाला जो अभी रिजल्ट आया? हाँ बिल्कुल, मैंने ये वाला एग्जाम दिया था, और इसमें क्या बोलते हैं, रोल नंबर जो लिस्ट जारी की गई उसमें मेरा नाम नहीं था, और मुझे शिकायत एक है कि बात यह है कि आज से 3 साल पहले कोरोना के पहले जब रिजल्ट जारी किया जाता था तो मार्क्स भी बताए जाते थे, कट ऑफ भी बताया जाता था, बहुत सारे पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें ऑप्शंस गलत थे, कई प्रश्न गलत थे, तो उसमें भी हमें पहले बताया जाता था कि इतना इतने विलुप्त हुए आपका ये मार्क्स है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें केवल रोल नंबर्स बताए गए हैं, और आप देख लो आपका रोल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिर सेलेक्टेड नहीं हो। जैसा कि मुझे अभी तक जो आरोप लग रहे थे सोशल मीडिया पर वो यही थे कि जो लिस्ट है उसमें नाम को लेकर संयोग जताया जा रहा था, एक और इत्तेफाक हो गया है इस बार कि उसको सही तरीके से पब्लिश भी नहीं किया गया। जी, मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न का एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। उसमें एक सवाल पूछा गया था इस साल के पीएससी में कि जो मराठा साम्राज्य जो यहाँ पे आए थे बिंबाजी, तो ये सवाल था कि वो कब आए थे और मराठा से रिलेटेड था, वो पीरियड कुछ 1757 के आसपास का कुछ समय था। ये आप 2021 की जो भर्ती थी उसकी? नहीं, मैं लेटेस्ट जो पीएससी हुआ उसका। अच्छा, मैं इसका तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, और रिजल्ट इसका प्री का रिजल्ट आउट हो गया है, तो प्री का ही ये सवाल था, और उसमें ऑप्शन जो चार दिए गए थे वो 1957 1947, जिसका कोई लेना ही देना नहीं था, लेकिन जब उसका आंसर की जारी किया गया तो आंसर की में बाकायदा उसका सही आंसर कमीशन ने जारी किया, और उसके बेसिस में फाइनल रिजल्ट भी प्री का निकाल दिया। चलिए, ये एक पीएससी से जुड़ी और खामियां जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं उन्होंने बता रहे हैं। आशीष जी, मुद्दे की बात है, आपका क्या कहना है? सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठ रही है, और ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऐसी संस्था है जो लोगों को अपना ड्रीम जॉब करने के लिए मजबूर करती है, ड्रीम जॉब करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, और यहाँ जितने भी छात्र हैं, हम जिन छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो टॉप 20 की लिस्ट में आए हो या टॉप 170 की लिस्ट में आए हो, वो बहुत निरंतर मेहनत करते हैं, प्री क्वालिफाई एग्जाम निकालते हैं, प्री के बाद मेंस निकालते हैं, फिर इंटरव्यू निकालते हैं, मेंस में 7 सब्जेक्ट में 21 पेपर वो 4 दिन में पूरे करके देते हैं। उन लोगों की जो मेहनत है उसको संवेदनशील लेते हुए हमें इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है। और हमारी जब से कांग्रेस सरकार आई है, भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, निरंतर रोजगार पर हमने काम किया है। जब देश का रोजगार नेगेटिव में था तभी भी छत्तीसगढ़ का जो रोजगार था, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर जो है पूरे देश में सबसे कम थी, और आज हम गर्व महसूस करते हैं कि शिक्षक भर्ती भी हमारी निकली हुई है। और अगर बात सीजीपीएससी की है, हम आप उस पर आएंगे, सीजीपीएससी में जो आरोप लग रहे हैं सौरभ जी, क्या जितने आरोप भाजपा की ओर से ही लगाए जा रहे हैं, इनका कहना है कि ये जरूर इत्तेफाक है इतने सारे नाम हो, लेकिन वो काबिल लोग हैं? जैसे कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, और संपूर्ण भारतवर्ष यह जानता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस ही है। और अभी जो टॉप 20 की लिस्ट आई है उसमें 75 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए का एक राशि लेकर टॉप 20 लिस्ट जारी की गई है। ये प्रदेश में आम विद्यार्थियों का ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थियों के पक्ष में खड़ा हुआ है और पुरजोर तरीके से इस घोटाले का विरोध करता है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा। और विद्यार्थी जो 65 लाख और 70 लाख की जो बात है, ये इसका प्रूफ या कुछ ऐसी चीजें, कुछ शिकायत आप लोग तक मिली है किसी बच्चों की? तथ्य तो बहुत सारी चीजों की नहीं मिल पाती है, लेकिन अंततः जब
आगे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। आरोप है आप लोग की तरफ से, मैं इस पे जवाब लेना चाहूंगा कि 65 से 70 लाख रुपए दिए जाने का आरोप लगा रही है भाजपा। ये सौरभ एक चेहरा है लेकिन ये लगातार सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे तो बड़े नेता भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा है कि ये निराधार आरोप है जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस जननी है, व्यापम घोटाला हम देख चुके हैं। अगर हम देखें कि टॉप 20 लिस्ट में अगर कहीं ना कहीं कोई कनेक्टेड लोग हैं तो हम तो ओम बिरला का एग्जांपल भी ले सकते हैं। संबित ओम बिरला का पूरा डिटेल क्या है उनका बता रहे हैं। ओम बिरला की जो बेटी आईएएस बनी है वो भी आईएएस बनी है, तो उन पर तो कोई ऐसा आरोप नहीं लगाना ना कि वो सांसद है तो आरोप कैसे बन गई। ओम बिरला सांसद के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं जी, तो अगर वो बन सकती हैं तो अगर कोई अगर पॉलिटिकल रिलेटेड आदमी बनता है या फिर किसी व्यापारी व्यक्ति या किसी अधिकारी का बच्चा, जो अधिकारी होते हैं उन्हें पता होता है कि शुरू से एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अगर बच्चा सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू करता है तो एक अधिकारी का बच्चा क्लास 6 से तैयारी शुरू कर देता है, उसे पता होता है कि किन चीजों पर ध्यान देते हुए उसका अपब्रिंगिंग लेना है ताकि वो एग्जाम्स निकाल पाए। लेकिन संयोग सिर्फ एक अधिकारी या उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लगभग 5 ऐसे अधिकारी, मतलब ऐसे जो लिस्ट में नाम है 5 से 7 ऐसे बच्चे हैं जो अधिकारियों के बेटे हैं, आम लोगों से ही राय लेते हैं। आपका क्या इस जो संयोग की बात कर रहे हैं कि ये इत्तेफाक हो सकता है, काबिल तो वो होंगे ही। देखिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा मन में विचार अगर हम लाएंगे कि सरकार की तरफ से कुछ गड़बड़ियां हैं तो बिल्कुल डिप्रेशन हमको होता है, क्योंकि 4-4, 5-5 साल हम तैयारी करते हैं तो ऐसी न्यूज़ आती है तो बिल्कुल डिप्रेशन हमको होता है। और यही उम्मीद करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ना हो, जो खबरें आ रही हैं वो गलत हों और सरकार में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सरकार इसकी जाँच करवाए। बीजेपी की ओर से ही शुरुआत की गई थी सोशल मीडिया पे लिखना कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, क्या भ्रम पैदा कर रही है बीजेपी? देखिए क्या है भैया, भूपेश जी है तो भ्रष्टाचार है, ये छत्तीसगढ़ का एक एक युवा, एक एक विद्यार्थी और एक एक जनता, एक एक नागरिक जानता है। जिस प्रकार से हम राजनीति की बात नहीं करते लेकिन हम उसकी बात करते हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर जाकर पीएससी की तैयारी करता है और उससे घर परिवार के लोगों को एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। लेकिन अभी जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की भावना अभी ऐसी हो गई है कि जो पैसे वाला है, जो या तो सत्ता के संपर्क में है या जो सत्ता भूपेश बघेल जी के करीबी है या किसी मंत्री के करीबी है, उसी का केवल नौकरी लगेगा और वो भी पैसे के दम पर। तो ये लोगों की मानसिकता और लोगों के जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो है भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पर काम कर रहा है और हम बहुत जल्द ये जो 70 लाख 75 लाख का जो आंकड़ा आ रहा है ये केवल 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 एक मात्र आंकड़ा नहीं है, ये एक्चुअल में चीजें हुई है और भारतीय जनता पार्टी की एक टीम इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द हम उस खुलासे को करेंगे और कितना लेन देन हुआ है बहुत जल्द उसको उजागर करेंगे हम। चलिए, एक जांच एजेंसी की बात कर रही थी भाजपा की, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और नेता लगातार लिख रहे थे, लेकिन एक खुद की जांच एजेंसी बनाने की बात भाजपा के पदाधिकारी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? इसमें जब आप सूची देखोगे तो तीसरे और चौथे नंबर पर पति पत्नी का भी आया है जिसमें बिल्हा से जो विधायक प्रत्याशी थे उनकी ये बेटी और दामाद। ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ये कांग्रेस नेता से जुड़े जरूर है लेकिन बिल्हा से प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला जी थे जिनके बेटे का नाम है 16वें लिस्ट पे, दूसरे तीसरे पे नहीं। और दूसरा आप ये जो अपने सीजीपीएससी के जो डायरेक्टर हैं कामन सिंह सोनवानी जी, उनके भी दत्तक पुत्र का नाम है इसमें। पहले नंबर पे जो लड़की है नायक, उसके भाई का नाम है 20वें नंबर पे। तो इन सबकी सूची पे नाम आना, भाई बहन का रिश्ता और पति पत्नी का रिश्ता, ये कैसे आया इसकी भी तो जानकारी कांग्रेस पार्टी दे। दूसरा, इन सबकी जो 20 लोग की टॉप लिस्ट है इनकी सूची बाय नंबर के साथ, इनको तो 20 में कैसे आया है, इनको कितना कितना मार्क्स मिला है, इसकी उजागर करें। और मैं इस आरोप लगाते हुए अपने बात को ख़त्म करूंगा कि ये छत्तीसगढ़ जो है ये कलकत्ता के तर्ज पे चल रही है, ममता बनर्जी की जो सरकार जो सीजीपीएससी में घोटाला करती है उसके तर्ज पे भूपेश बघेल की सरकार चल रही है। आरोप लग रहे हैं कि क्यों लिस्ट जारी होनी चाहिए और इतने सारे कांग्रेस नेता और अधिकारियों के बच्चे ही क्यों? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर ये 20 लोग की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आरोप लगा जा रहा है कि इसमें मिली भगत या कुछ करप्शन हुआ है, तो मैं मानता हूं कि हम 20 लोगों की मेहनत का तिरस्कार कर रहे हैं, जिस मेहनत को करके, जिस मेहनत से उन्होंने स्थान को पाया हम उनका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें वो एक सबूत दिखा दें, आरोप तो मनगढ़ंत भी लगते हैं। आज की डेट में सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के पास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे बीच में वो जनता के बीच जा सके, जिसको लेके वो जनता के बीच में जा सके। अगर 20 लोग का आरोप लगा रहे, एक का तथ्य लाइए, 70-75 का, 1 करोड़ का बात कीजिए आप, पर एक का तो तथ्य लाइए। ये कह रहे हैं ना कि हम एक जांच समिति बनाए हुए हैं। जी, मैं चाहता हूं मेरे आदरणीय जो साथी हैं
भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने हमको दिया है और वो सीजीपीएससी पर लागू होता है। सीजीपीएससी की जो आंसर शीट है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से निकाली जा सकती है। प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, आप उनके आंसर शीट निकाल लीजिए अगर आपको इतना ही डाउट हो रहा है। इसी साल 2022 में जो यूपीएससी के एग्जाम्स हुए थे उसमें टॉप 50 में 4 ऐसे लोग थे जिसमें से 2 सिब्लिंग्स थे और जो 2 पति पत्नी थे। तो अगर किसी 2 लोग आपस में तैयारी कर अगर अच्छा प्रदर्शन कर ले रहे हैं तो उस पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसकी आखिरी तह तक जाना जरूरी है। अगर आग बंद कर किसी पे भी आरोप लगाने की बात है तो फिर यहाँ बैठ कर मैं पूरे देश पर आरोप लगा सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई बिला विधायक क्या जिसके भी रिलेटिव है, मैं बोलना चाहता हूँ वो क्या इंसान नहीं है, वो मेहनत करके उस स्थान को नहीं पा सकता। आप ऐसा बोलेंगे अमित शाह जी के लड़के को तो जैसा का तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, उसने क्या 100 शतक मारा था क्या? वो निर्वाचित होने का मामला है और ये एग्जाम देगा जी। आप जी दो विषय है भैया, जैसे कि अब हमारे मित्र आकाश कनौजिया जी ने कहा कि पहले तथ्यों पे बात किया जाए, आशीष भैया ने भी बात कहा। तथ्य तो जब कोल घोटाले की बात हुई थी उस समय भी तथ्य नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही विरोध कर रहा था। शराब अलग अलग ब्रांड के शराब ठेके में बट रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रहा था। लेकिन आज जब ईडी ने अपनी दबिश दी तो किस प्रकार से इसमें जितने हजारों करोड़ के घोटाले हुए वे तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे भाई कह रहे हैं कि 20 विद्यार्थियों का नाम लेके उनके संघर्ष को हम तिरस्कृत कर रहे हैं, तो क्या अगर 60 से 75 लाख रुपए की राशि लेकर आप अगर किसी को उस दायित्व पे उस पद पे ला रहे हैं, उस आधिकारिक पद पे ला रहे हैं, तो बाकी प्रदेश में लाखों युवा जो लगातार संघर्ष करते रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल संघर्ष करते रहे हैं, तो क्या ये उनके संघर्ष के भी तिरस्कार नहीं है? क्या जो युवा है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इनका कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, आपको क्या लगता है क्योंकि आप तैयारी और अभ्यर्थी के लिहाज से आप क्या कहें? जी जब हम तैयारी करते हैं सर तो इतना हमारा फोकस रहता नहीं कि रिजल्ट क्या आया तो उस पर क्या होता है। हमारा ये रहता है कि हम अपना तैयारी करें और अपना क्लियर करें एग्जाम को। और ये जो न्यूज़ है, हम भी न्यूज़ के माध्यम से आपके चैनल्स देख के हमको पता लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, कोई कहता है नहीं है, तो हमको भी फिर सरकार से अपेक्षा है कि जो हमारे सीएम जी हैं वो जल्द से जल्द इसमें अपना बयान दें तो हमको भी एक संतुष्टि हो और हम आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू करें इस उम्मीद के साथ कि हम अगर अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा निष्पक्ष रूप। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, आम लोगों से भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? नवीश कुमार। ये एक परीक्षा की विश्वसनीयता और उसके ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, ऐसे आरोप हैं, कोई सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, बाकी एग्ज़ाम बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए बहुत सारे उनका भविष्य ख़राब हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें ऐसे घोटाला बाज रहा या कोई भी ऐसी बात रही तो बहुत सारे छात्र जो सालों से, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल बहुत मेहनत लगा के तैयारी करते हैं, कोई बाहर से आके, कोई बड़े बड़े कोचिंग में इतने फीस दे के तैयारी करते हैं और ऐसा परीक्षा है ये पीएससी जिसमें लोग अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर तक बनते हैं और उसमें ऐसा बात रहा घोटाले का या किसी भी चीज़ का, तो ये गलत है अभी तक लेकिन ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है तो आरोप लगाना गलत है। सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगाना गलत है आम लोगों का कहना है, लेकिन एक बार बार बीजेपी कह रही है पैसे लिए गए, बड़े पैसे लिए गए और इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। सर ऐसा है कि हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं, जो भिलाई के छात्र हैं, उन्होंने बोला और बताई, अपनी बात रखी और मुझे विश्वास है और खुशी है इस बात की कि उनका विश्वास है कि अगर इस मामले में कोई भी ऐसी बात रहेगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनका छात्रों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रवैया रहा है, वो निश्चित रूप से इस पर जाँच भी कराएंगे और जाँच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने पिताजी पर जाँच कराने से पीछे नहीं हटता वो किसी और मामले में भी पीछे नहीं हटेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर कि अगर इसमें कोई भी ऐसी बात रहेगी, अगर पैसे की बात हो रही है तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से सिद्ध होगी। आज सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी या भाजयुमो, उनका एक टेंडेंसी ये रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी हिटलर की बातें थी, जो हिटलर का रवैया था कि झूठ इतना बड़ा बोल दो कि आदमी को विश्वास ही ना हो कि इतना बड़ा कुछ झूठ बोल सकता है क्या, जरूर कुछ ना कुछ सच तो हो गई, जैसे कि बोल दिए कि 2000 रिएक्शन लेते झूठ इतना बड़ा क्यों बोल। देखिए झूठ की बातें तो कांग्रेस की सरकार ना करे तो ही ज्यादा अच्छा है। सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो इस छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं, हर चीज में झूठ। क्या झूठ? तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात किया था उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तत्काल हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे,
कहाँ किया है? अभी चुनाव आ रहा है तो इतने सारे नियम कानून, इतनी सारी पेचीदा चीजें बना दी है कि एक भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाता है बेरोजगारी भत्ते का, और केवल केवल मनगढ़ंत चीजें रहती है और वोट बैंक रहता है। वोट बैंक के लिए भूपेश बघेल जी कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात कार्रवाई करने की, तो भूपेश बघेल जी कितनी ईडी ने कितने लोगों का कितनी पैसा कितना पैसा ईडी ने वो किया है। मैं मुझे लगता है कि ये डिबेट ही पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि इन सब मुद्दों पर भी अपन एक बार और हम न्यूज़बाजी के मुद्दों की बात में चर्चा करेंगे। फिलहाल सीजीपीएससी का जो मामला है, कई ऐसे अधिकारी हैं पहले रैंक से लेकर 20वें रैंक तक जिन पर इत्तेफाक इतने सारे हैं कि वो किसी नेता अधिकारी के बेटे हैं या बहू हैं या रिश्तेदार हैं। ऐसे में सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, आठवां, ग्यारहवां, सोलहवां, बीसवां, ये रैंक लगातार ऐसे हैं जो सीधे तौर पर किसी न किसी अधिकारी से जुड़े हैं। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से भी, न्यूज़बाजी की तरफ से भी स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी की काबिलियत पर या शक करना या उनकी प्रतिभा पर सवाल उठाना नहीं है। लेकिन चूंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जिम्मेदारों से इस पर बात करें और उनसे जवाब लें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सदैव ही छात्रहित में लड़ती आई है। अगर ऐसी कोई भी बात होगी और इसके पीछे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार में शामिल व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट एजेंसी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें अगर होगा, निश्चित रूप से हम पूरी उम्मीद है कि सरकार इसकी जाँच करेगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सरकार अभी कुछ समय पहले आत्मानंद स्कूल की वैकेंसी में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार आया था। हमारे दुख की बात है, बहुत सारे ऐसे लोग उसमें चयनित हुए थे जो किसी न किसी अफसर के रिश्तेदार है या किसी न किसी कांग्रेस के नेता के, उस पर कार्रवाई भी हुई और उन लोगों को पद छोड़ना भी पड़ा, उन सभी लोगों को, और उसके बाद जो वहाँ के अधिकारी थे उनका तबादला भी कर दिया गया। चलिए मैं आम जो लोग हैं हमारे साथ उनसे एक चीज, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा था ये बताते हुए कि एक सीजीपीएससी की जो परीक्षा हो रही है 2021 में इसकी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, 2023 में रिजल्ट आया, मतलब लगभग पूरे 3 साल। अगर यही सब चलता रहा तो एक समय बर्बाद नहीं हो जाता? जी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अब जैसे मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ तो अब जैसे मैं अगर अभी मेरे जो साथ में सहपाठी हैं वो प्राइवेट में भी अच्छी जॉब अभी ले रहे हैं, तो अगर मैं 3 साल 4 साल जब प्रिपरेशन करता हूँ और मान लो उसके बाद मैं सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो बिना एक्सपीरियंस के फिर से मुझे प्राइवेट में एक नए उस स्तर से चालू करना होता है। तो राजनीति अपनी जगह है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि राजनीति को अलग रख के छात्रों को देखते हुए कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारी तैयारी क्या होती है, कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई किसी की सरकार बने, वो हमारे मुद्दे को सुलझाए तो हम यही बस हम अपेक्षा करते हैं किसी की भी सरकार। आपकी क्या राय है? भैया जो बोले बात तो सही बोल रहे हैं कि जैसे सरकार किसी की भी रहे, भाजपा कांग्रेस, सरकार अपने जगह पर है, छात्रों का मेहनत अपने जगह पर है। वो जो 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं अवश्य उनका उसको लाभ मिलना चाहिए कि छात्रों के साथ ऐसा भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बाकी तो सरकार किसी की भी रहे, छात्र जो मेहनत करते हैं उन्हें उनका फल मिलना ही चाहिए। चलिए ये जो तमाम सहयोग हैं, इत्तेफाक हैं और ये चर्चा क्यों हो रही है, एक मैं वीडियो आपको कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिस पर एक वीडियो इससे पहले हमने बनाया था कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। जो भी व्यूअर इसको नहीं समझ पा रहे होंगे कि चर्चा किस पर हो रही है, वो अगर वो वीडियो देखेंगे तो पूरी चर्चा उनको समझ आ जाएगी। एक संयोग दोनों लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, इन तमाम संयोगों के साथ एक संयोग और भी है, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, क्या इसीलिए इसको, जो आपके आरोप हैं या बीजेपी के कुछ और लोगों से भी बात हुई कि चुनाव होने हैं, आखिरी साल है कांग्रेस की अभी इस सत्ता की, इसलिए नाम जारी कर दिया जाए कि जितने लोग हैं उनको लाभ दे दिया जाए, या आपको क्या लगता है कि चुनावी साल है इसलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, नहीं तो ये मुद्दा ही नहीं है? निश्चित रूप से यही लगता है कि चुनावी साल है इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि अभी लगातार सरकार जो है छात्रों के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, भर्तियां निकाल रही है, इस भर्तियों का लाभ जो जन जन तक पहुंच रहा है और जिससे सरकार की बढ़ाई हो रही है, सरकार की जो इमेज है जो अच्छी जा रही है उस इमेज को खराब करने का ये एक बहाना है। इमेज खराब करने का, देखिए हम तो सरकार और सत्ता की ये सब की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, हम तो उस पार्टी से आते हैं कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश के लिए और इस देश के युवाओं और इस देश की जनता के लिए उन्होंने सत्ता में आना भी कुर्बान कर दिया है। हम उस पार्टी से आते हैं तो हमें सत्ता उत्ता की चीजों में ज्यादा नहीं पड़ते, हमारी कुर्बान करेंगे सत्ता, हाँ सत्ता कुर्बान करेंगे, सत्ता अगर गलत होंगे तो जनता बैठी है ना कुर्बानी देने के लिए, हमको कुर्बान करने के लिए। सच्चाई आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ यह है, 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास एक भी ऐसा प्रमुख मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वह कांग्रेस पार्टी को या उनके नेताओं को घेर सके। जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम ये सब के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अगर इतने भाजपा के नेता आरोप लगा रहे तो आप भी मीडिया विभाग से आते, आप भी उनसे तथ्य मांगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो
विद्यार्थी परीक्षार्थी इतने सालों के मेहनत, जैसे आपको सामान्य जन ने बताया कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कौन कितने साल से मेहनत कर रहा, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते कि उसने किस किस समस्याओं को, संकटों को, कितनी तपस्या से चीज़ों को हासिल की है। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही विश्वास है कि घोटाला हुआ तो तथ्य प्रस्तुत करें, अन्यथा जिन्होंने सफलता प्राप्त की उनकी सफलता को आघात ना पहुंचे। देखिए तथ्य पर बात करें, सफलता देखिए, हम उनके सफलता पे प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न चिन्ह उस सिस्टम पे खड़े कर रहे हैं। हम आप सीधा बोल रहे हैं कि वो रिश्तेदार है, क्यों किसी का रिश्तेदार मेहनत नहीं कर सकता? क्या किसी का रिश्तेदार मेहनत नहीं कर सकता? वो 10 घंटा पढ़ाई करके क्या CGPSC क्लियर नहीं कर सकता? कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता? हम उस सिस्टम का विरोध करते हैं, मेहनत के आगे क्या नहीं हो सकता? हम उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, वो सिस्टम जो केवल और केवल अफसरों, हमको ये भी नमूना मिला है। उसमें क्यों की बात सुनिए, मेरा एक बात सुनिए, कई जगह ऐसे भी नमूना प्राप्त हुआ हमको कि यहाँ पति पत्नी भी IAS IPS ऑफिसर बने, तो उन्होंने भी एक दूसरे की मदद की। हम प्रश्न चिन्ह में किसी की सफलता पे नहीं खड़े कर रहे हैं सवाल, हम सवाल उस सिस्टम पे खड़े कर रहे हैं, वो सिस्टम जो केवल और केवल अफसरों, नेताओं से जुड़े हुए लोगों को PSC में चयनित करता है, उस सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों उसमें एक संघर्ष करने वाला, एक मजदूर, एक किसान का बेटा क्यों चयनित नहीं होता? भूपेश बघेल जी बोलते हैं ना कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो क्यों चयनित नहीं हुआ उसमें क्यों चयनित? इनका तो यही कहना है कि वो मेहनत किए होंगे, यही तो बाकी एक मेहनत का फल मिलता है। अब चाहे वो सबूत दे दे, अगर किसी बच्चे के साथ गलत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सबूत प्रस्तुत करे, जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई आशीष जी ने बताया कि अगर जब भी छात्रों के साथ अन्याय होता है NSY सर्वाधिक तौर पर अपनी सरकार से भी लड़ाई लड़ जाती है। बात सिर्फ मेरिट लिस्ट में नहीं, मेरिट लिस्ट की नहीं है, उस व्यवस्थाओं पर भी उठी है। सबूत 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 की बात कर रहे हैं, आप लोग की तरफ से सबूत के लिए क्या तैयारी? सबूत के लिए तैयारी ये है कि जितने विद्यार्थी संघर्ष किए हुए हैं, लगातार भिलाई एजुकेशन हब है, यहाँ जितने भी PSC कोचिंग के क्लासेस चलते हैं, PSC की क्लास, वहाँ के विद्यार्थियों से एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए, उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए, हम इस विषय को ग्राउंड स्तर से उठाकर उच्च स्तर तक लेके जाएंगे। और रही बात सबूत की, तो तथ्य तो सामने आ ही जाएगी, उनके पुराने भी रिकॉर्ड सब सच है। छात्र अगर चाहेंगे और जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले संघर्षशील युवा हैं, अगर वो चाहेंगे कि इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तो हम आपके साथ खुद उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। यूथ कांग्रेस NSU दोनों उच्च स्तरीय मांग करेगी, और निश्चित रूप से इस पर अगर कोई भी ऐसी बात होगी जिसपे अविश्वास फैल रहा हो छात्रों पर, तो हम इस पर लड़ेंगे। चलिए, ये इन्होंने तो एक तरह से आपका साथ दे दिया कि हम मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के बीच में भी, जनता के ठगी के बीच में भी, अगर यूथ कांग्रेस और NSU में ऐसे अगर ईमानदार नेता हैं, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, आप लोगों का समर्थन। हमारी ताकत का स्रोत भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, जिन्होंने हमारे युवा संगठनों और छात्र संगठनों को इतनी छूट देकर रखी है कि आप सत्य के साथ खड़े रहिए। लेकिन इतनी भी छूट नहीं देना है कि जाके करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, प्रदेश में अफरा तफरी मचाओ। लेकिन ये माहौल, ये बात, ये टॉपिक अगर CGPSC के सिर्फ चुनावी मुद्दा, अभी हमारे बड़े भाई ने इतना कह दिया साथ है, पर फिर ये मुख्यमंत्री, सारे रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव के समय भर्ती, ये तो आरक्षण का एक मामला भी कोर्ट में उठा हुआ था, लटकाया गया था ताकि प्रदेश में कुछ समय के लिए भर्ती प्रक्रिया रोकी जा सके। आपकी राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर रही थी विधेयक पास होने के बाद, राज्यपाल आरक्षण का विषय था, तो आप आरक्षण में कुछ ऐसा क्राइटेरिया लगा देते कि वर्तमान एकेडमिक कैलेंडर और उस समय के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर ये सारे नियम कायदे लागू नहीं होंगे। आप ये चीज कर सकते थे, कुछ समय के लिए आरक्षण आप वापस ले सकते थे। आप लोगों ने राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं, ये मुद्दा भटक जाएगा। CGPSC की बात हो रही है, काफी आम लोग भी है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ एक बार। नहीं तो सिस्टम में चेक करवाना चाहिए ना, मतलब आसपास सुनने को भी मिलता है कि भ्रष्टाचारी इतनी है कि पैसा दो और सीट बुक करो, तो ऐसा खत्म करना चाहिए ना। हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो हमें भी तो सीट मिलना चाहिए ना, हम भी तो गवर्नमेंट अभी तैयारी दे रहे हैं, अभी ऐसा हो सकता है, हाँ आजकल तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, और होता भी है ऐसा। क्या मांग होगी गवर्नमेंट से, अगर ये आपको सही लग रहा हो, गवर्नमेंट से आप क्या मांग करना चाहेंगे इस मामले में? कि यही कि मतलब जो स्टूडेंट है ना, उनको उनकी क्वालिटी, उनके मतलब एबिलिटी के हिसाब से उनको देना चाहिए पैसा करके। मतलब अगर इस पे सवाल उठे तो जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल तो करना चाहिए। अगर सवाल उठा है तो जो CGPSC है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी अपनी ट्रांसपेरेंसी पर अगर सवाल उठ रहा है तो निश्चित रूप से इस पर जो है जांच। भिलाई मिनी इंडिया है, और मिनी इंडिया के साथ साथ यूथ हब भी है। पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन एक वादा आपको इस न्यूज़बाजी के माध्यम से जो डिबेट हो रहा है उसमें दोनों ही दलों के जो लड़के हैं, दोनों ही दलों के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक वादा किया है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच की मांग दोनों मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे, और सिर्फ जाँच की मांग नहीं करेंगे, अगर दोषी कोई पाया जाएगा तो उसको सजा दिलाने के लिए भी लड़ेंगे।
आप लोग हस्ताक्षर अभियान की बात कर रहे थे, साथ में मिलकर चलाइए कोई अभियान। हाँ, हस्ताक्षर अभियान हम साथ में मिलकर चलाएंगे अगर भैया लोग सब एग्री होंगे, साथ में मिलकर चलाएंगे अगर इन लोग एग्री होते तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आपका अगर कोई मुद्दा हो, आपके अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें ईमेल करिए newsbaji.editor@gmail.com पर। हमारा वादा है कि हम आपके हर उस मुद्दे को उठाएंगे जो बाकी लोग अगर नहीं उठाते हैं या जो मुद्दे समाज में छिपे रहते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।